बाबा टिकट हमारा है, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। कार आप सभी का सुनोबात न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ में है किसान यूनियन के एनसार अध्यक्ष श्री सुभाष चौधरी जी और ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्री अशोक भाटी जी। आज इनसे हम बात करेंगे जो किसानों की जो समस्या चल रही है इसके बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है नेवड़ा के याकूबपुर में और लगातार चल रहा है। बीच में कुछ अधिकारी भी आए थे तो वहाँ पे जो महापंचायत हुई थी कुछ आश्वासन दिए गए थे लेकिन कोई भी डिमांड वहाँ की जो मांग थी किसानों की पूरी नहीं हो पाई। तो उसी जैसे आपने बताया था कि अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो हम जो है नेवड़ा प्राधिकरण का घेराव करेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो कल का समय है 16 तारीख तक का, उस समय सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी पंचायत में पहुंचकर सीओ साहब और प्राधिकरण से कुछ अधिकारी थे जिसमें तहसीलदार तक भी थे, उन्होंने कहा कि 16 तारीख तक हम आपकी जो आबादियों के मामले हैं उनको निस्तारण की तरफ लेके जाएंगे और उनमें एक तरीका शुरुआत कर देंगे। अगर ये 16 तारीख को नहीं करते हैं तो हमारी जो देखो किसान को तो जब इनने मन मनाई लिया उसके बाद भी बयान आ रहे हैं कि 52 जगह ने चिन्हित कर ली है नेवड़ा प्राधिकरण ने, उनको हम तोड़ेंगे। भाई किसान को तो इन्होंने निकालने की इन्होंने जब मान ही लिए तो ये अपनी तैयारी करें, बाकी अगर हम 16 तारीख तक इंतजार है उसके बाद में हम अगली रणनीति के तहत काम करेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, पूरे ज़िले का किसान यहां प्राधिकरण पर होगा। नवेड़ा के 81 गांवों में जनजागरण अभियान हमारा रुका नहीं है, ना हमने रोका है और प्रत्येक गाँव में हमारे लोग जाके वहाँ पर हर लोगों को सूचना यंत्र के द्वारा और मीटिंगों के द्वारा एक तरीका से उनको हर चीज़ की योजनाओं के बारे में और अगली मीटिंग अगली तैयारी के बारे में पूरी योजना की तैयारी की जा रही है। और अगर नहीं करते हैं भाई जब किसान को अब आज किसान देखो दे इनके आए आश्वासन या कोई भी झूठ नहीं चलेगा, निस्तारण से ही बिल्कुल एक ही बिंदु बना ले, प्राधिकरण भी सोच ले कि बिना निस्तारण के यहाँ पर किसी भी तरीका का कोई भी हम नहीं सुनेंगे। एक ही बात है, आंदोलन की एक रूपरेखा है और एक ही मांग है आबादी। अगर आज किसान की छत का मामला है, किसान जिस छत के नीचे बैठा आज वो डर के साए में जी रहा है और जब वो जी ऐसा रहा है तो भाई अब प्लान बनाएंगे हम, जो भी हमारा प्लान होगा हमारा तो सीधी सी बात है सभी किसानों की जो है जितने भी गाँव हैं सभी किसानों से निकलेंगे, ट्रैक्टरों में अपने सामान भरेंगे और आगे की कूच करेंगे। भाई हम प्राधिकरण में बैठेंगे, यहाँ तो ये तोड़ो फिर पड़ो रोड जो न करना वो करेंगे, हमारा जो कार्य हम करेंगे, आंदोलन की रणनीति आगे तैयार की जाएगी। ऊपर भी बात चल रही है, टिकैत साहब से भी इस बारे में बार बार संपर्क किया जा रहा है, वो इसमें बहुत ही गंभीर है इस विषय में टिकैत साहब भी, वो भी अपने बार बार संपर्क करने पर क्या स्थिति है। आगे जैसी भी अगर इनकी तरफ से कोई भी मामला ठीक नहीं बैठता, कोई बात इनसे प्राधिकरण किसान की तरफ को नहीं कोई मानता है तो भाई आंदोलन जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, अब हल्की लड़ाई नहीं रहेगी। जैसे कि सुभाष जी अभी जो जानकारी मिली थी कि नेवड़ा प्राधिकरण जो है जो किसानों के 5% वाले जो प्लॉट है उनकी उनको देने के लिए जो है अभियान चला रही है, सर्वे करा रही है कि जो ज़मीन है वो कब्जा रखे है किसानों ने या आबादी बना रखे हैं उनको बाद में उस पर प्रक्रिया चलेगी और उनको मुक्त कराया जाएगा और उनको 5% के प्लॉट दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो प्लॉट जो है जो वो अभियान चलाने की बात करें किसानों के लिए हित के लिए करें लेकिन जो किसान पहले से अपने घर में बसे हुए उनको उन घरों को तोड़ने की बात करें तो इसमें उनकी मंशा क्या है प्राधिकरण की? देखिए अभी जो इन्होंने कही है जो निकाली है कि भाई हम किसानों को 5% प्लॉट देने के लिए ज़मीन को निकालने का कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक 8-8 गाँवों के हिसाब से 81 गाँवों को सर्वे करके जो हमारी ज़मीन है उनको निकाल दिया। भाई एक बात बताओ 81 गाँव की ज़मीन अधिग्रहण जो आपने करा 1976 में करा, कुछ गांवों के बाद में करा 2011 के नियमावली के तहत, कुछ गांवों के किसान हमारे इतने सीधे थे जिस समय अधिग्रहण हुआ उस समय गांवों के घरों के नंबर तक भी अखबार हो गए, आप सर्वे करोगे। फिर एक बात बताइए, आज आप कह रहे 5% के लिए, जो 5% आपने सेक्टरों में काट दी, जो असली किसान है उन्हें आज तक नहीं मिल पाए, जिन्होंने बेच दिया वो दलाल खा गए, ठीक है। आज जब किसान के पास मतलब किसान को अपने हक नहीं मिल पा रहा उसमें ही उन्हीं किसानों के उसी परिवार के लोगों को आपने एक लड़ाने का कार्य प्राधिकरण कर रहा है। प्राधिकरण की मंशा ये है कि ये आपस में इनको लड़ाया जाए, इनको आपस में भिड़ाकर और इसको कह दो भाई हमने तुम्हें ज़मीन दे रहे तुम्हारे ही परिवार पे ये ज़मीन है, तो इससे इनकी जो मंशा प्राधिकरण की ठीक नहीं है। अरे 5% आज की मामला थोड़ी नहीं है, आज ज़मीन आपने ली नहीं है, 97 से 5% लागू होगा नवेड़ा में, इसमें भी धोखा हो रहा, 5% ही किसानों को दिया जा रहा जबकि 10% बनता है उसका,
10% का मूल किसान को दिए देना चाहिए, उसमें भी ये जो कोर्ट गया उसको दे रहे, जो कोर्ट नहीं गया उसको नहीं दे रहे। वो एक लड़ाई उसमें है, ये तो केवल जो प्राधिकरण जो अपनी आज नीति अपना रहा है वो बिल्कुल किसानों को इस छतों को उजाड़ने की नीति है, गांवों को एक दूसरे से भिड़ाने की नीति है, इनकी एक टकराव लाने की स्थिति है इनकी। उस टकराव और उस बहकावे में किसान नहीं आ रहा है, ये कुछ भी करें, जहाँ भी आबादी का निस्तारण, पहले आबादी का निस्तारण होगा, जो सर्वे अगर ये कर रहे हैं तो सर्वे करके आबादी का निस्तारण किया जाए और उसके तहत जो इनको लामाई जो इनको लगे और जो हमारे सब किसान की समझ में आए और किसान जिस बात संतुष्ट हो उस बात से ही कार्य किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कानून भी किसान के हिसाब से बनाया जाएगा, ना कि प्राधिकरण के हिसाब से कानून होगा। जैसे अशोक जी, मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे कि अभी बीच में आपके जो क्षेत्र पड़ता है ब्लॉक का जो सैमसंग कंपनी, उसमें बात हुई थी कि किसानों को जो किसान के जो बच्चे हैं, स्थानीय किसान हैं, उनके बच्चों के लिए जॉब दी जाएगी, जॉब भी नहीं मिली। और अब देखा जा रहा है कि अभी जैसे याकूबपुर में अभी पीछे घटना हुई थी कि वहाँ पर सीलिंग कर दी गई थी कमरों की, उन्होंने ये आधार ये बना दिया कि ये जो है ज़मीन पर जो है आप जो है कॉमर्शल नहीं कर सकते, इसे किराए पर नहीं दे सकते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बात नहीं है अथॉरिटी की, अगर किसी ने दुकानें बनाई हुई हैं तो कहते हैं ये भी कॉमर्शियल गतिविधि में आ रही हैं, लोकल लोग के नाम पर यहाँ पे कंपनियों में लिए नहीं जा रहे हैं, 30% लोकल बताया था सैमसंग ने, बाकी जाके देख लो वहाँ पे अगर 10% या 5% भी हो, नोएडा क्षेत्र के किसी भी बंदे को ड्यूटी नहीं है, बोल देते हैं कि जी रिकॉर्ड पूरा हो गया, पता नहीं वो कहाँ से आके 30% कहाँ से इन्होंने लोकल की पूर्ति करी है, यहाँ का कोई भी आदमी सैमसंग में लिया नहीं गया है। बाकी मकान दुकान अभी आकूपुर में जो हमारा 20 दिन से अनिश्चितकाल धरना चला हुआ है, उसमें भी वही है, सरती देवी का मकान है और बाप दादा की लाई संपत्ति है, वहाँ पे कहते हैं कि जब आपका मुआवजा ट्रेजरी में जमा रहे तो आपकी मर्जी है, टेबल पे बैठोगे किसी को भी अधिग्रहण कर दोगे, किसान की ना कोई मर्जी होगी, ना कोई धारा 4, ना कोई 6, ना मुख देखा जाएगा, जबरदस्ती लेते हैं। वहाँ बख्तारपुर का मामला है, वो सुमित बेचारा, उसके दादा परदादा पिताजी वहीं रहते थे, वो तोड़ के वो आज झोंपड़ी में बैठा हुआ है। तो अभी तो कल अगर हमारी CO ऋतु महेश्वरी से हमें कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिला, हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हमारे पूरे भारत में हमने भारतीय किसान यूनियन से संपर्क किया हुआ है, यहाँ पे इतना बुरा बिगुल बजा देंगे कि शायद इनको पीछा छुटाना भारी हो जाएगा। मकानों से निकलकर अपने भैंस जानवर बुग्गी भैंसे जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली है सबको ले जाकर वहीं खड़ा कर देंगे, क्योंकि मजबूरी भी हो गई है। जब ये सर से छत लग कर साया भी छीन रहे हैं तो फिर रहेंगे कहाँ आदमी? आज मेरे में है, कल किसी और के में, परसों किसी और के में, आज की न्यूज में तो सुबह ही 81 के 81 गांव ही इन्होंने अनऑथराइज ठहरा दिए। उससे पहले तो कम से कम ये 4-5 गाँवों का ही मामला था, असगरपुर, बख्तारपुर, सिलारपुर, आकूपुर, 4-5, अभी तो इन्होंने पूरे के पूरे 76 गाँव और जोड़ के 81 गाँवों को ही एक लाइन से लगा दिया है। ये कहीं ना कहीं किसान यूनियन के लिए फ़ायदा भी हुआ है। हमने एक जन जागरण दौरान लोगों से संपर्क किए हुए थे, 2 दिनों के अंदर कई हज़ार लोगों ने हमसे संपर्क किया है, क्योंकि स्थिति सब भाप गए हैं, नोएडा की फिलहाल स्थिति किसानों को लेकर ठीक नहीं है, तो 2 दिनों के अंदर हमसे कई हज़ार की तादाद में लोगों ने संपर्क साध लिया है और वो हमारे साथ कंधा से कंधा लड़ाई मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। वो कल की मीटिंग के बाद ही हम कोई रणनीति तय करेंगे और उसी के बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। जैसे अशोक जी, अभी सिलारपुर खादर की आबादी पे एक अभी ये कादरी की तरफ से एक नोटिस आया था 116 लोगों के खिलाफ आया था, फिर दोबारा भी आया बीच में और वो कहते हैं कि अवैध है निर्माण जो हुआ है, लेकिन देखा जाता है कि एक रिपोर्ट के जो पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था यहाँ की जो भूमि अधिग्रहण जो रद्द हो चुका था, उसके बाद भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इनकी तो मर्जी है, सलारपुर तो कर अधिग्रहण तो पूर्णता से जो है रद्द है, वो राजेंद्र स्टेट वाला मामला है, उसको ले गए तो टाटा नैनो सिंगूर तलक में जो है ज़मीनें बचाई गई हैं, बाकी यहाँ पे तानाशाही चल रही है, यहाँ का लोग सीधा किसान मजदूर है, वो लड़ाई लड़ने का इच्छुक नहीं था, बाकी आज वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सहारा उसने ले लिया है और वो अब जो है लड़ने के लिए तैयार है। नोटिस चिपकाने के बाद में हमारी मीटिंग हुई थी, SDO साहब, तहसीलदार, जो भी यहाँ के अथॉरिटी के अधिकारी थे, उनको हमने अपना पक्ष बता दिया था, उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को आपकी मीटिंग होगी, तो उसके बाद तो आए थे वो 1-2 लोग, बाकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की उन्होंने, कल 16 तारीख में हमारी मीटिंग हो जाएगी, उसी के बाद कोई आगे की प्रक्रिया बनेगी। सुभाष जी, जैसे एक पहले भी आपने अभियान चलाया था कि जैसे कि जो प्राधिकरण की जो मनसा है कि यहाँ पे गांव के अंदर किराएदार नहीं रख सकते आप, जैसे वहाँ पे याकूबपुर में जो सीलिंग लगा दी, तो आपने एक संदेश दिया था उस कि अगर हम
जो आपने व्यवस्था बना रखी है गांव के अंदर, जो यहां पे रोजगार के लिए लोग आते हैं उनको रहने के लिए, उसको हम बहिष्कार करेंगे, उसके बारे में एक जानकारी देने चाहेंगे दोबारा। देखिए, अगर किसान के सर से छत हटी और किसान के साथ में जाति की गई तो भाई यहाँ तक किसान करेगा कूच, और जो व्यवस्था नवेड़ा प्राधिकरण को सरकार को करनी चाहिए हम पे ठेका ना या किसान पे, तो किसान युवा का व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा। किसान ने जितनी किराएदार जो व्यवस्था यहाँ बना रखी है, चाहे तो वो लोग हमारे साथ चले अन्यथा वो यहाँ से खाली करेंगे। और सारा ही जितना भी यहाँ पर देखो, शहरी शहर को एक चाल देने के लिए, शहर को एक सुंदर बनाने के लिए, शहर को एक व्यवस्थित करने के लिए जो किसान का एक अहम भूमिका है, वो यहाँ के प्राधिकरण की भी नहीं है, क्योंकि किसान को एक बाहर से जो व्यक्ति यहाँ पर इस शहर को चलाने का कार्य कर रहा, उसको रखने का कार्य यहाँ का किसान कर रहा है। वो किसान के साथ में आज वो व्यक्ति भी उस किसान के कंधा से कंधा मिलाने के मिलाकर उसके साथ चलने को तैयार है, क्योंकि जितना आज किसान को यहाँ ठगा मारा जा रहा है, उस किसान के पास जो बंद जो आज लोग रह रहे हैं उनको भी पीड़ा उतनी है जितनी उस किसान को पीड़ा है। वो किसान का परिवार के साथ में, उसका परिवार भी इस लड़ाई में बिल्कुल तैयार है और जंग आर पार की है भाई। वो अपना हिसाब देख ले और यहाँ की जनता का लगा लेना, एक एक गांव में लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख लोग रह रहे हैं, कहाँ व्यवस्था बनाएंगे, प्राधिकरण की क्या स्थिति होगी वो समय बताएगा, ये देखने का काम है। 16 तारीख का इंतजार है, यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, किसान अपनी पूरी तरीका से यहाँ पर एक आँखें और एक सोच से ये है कि प्राधिकरण समय आने से पहले ही शायद चेत जाए और ऐसी अनहोनी से बचे, अन्यथा आर पार की लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल तैयार है और यहाँ का किसान जंग में बिल्कुल खड़ा है, तैयार है, कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा, तैयारी जोरों से है। उनके साथ में जो लोग रहते हैं, जो उनके साथ में काम करते हैं, सब इस जंग में बराबर तैयार है, तैयार है। जैसे कि आपने देखा भाटी जी ने और सुभाष चौधरी जी ने अपनी राय रखी किसान यूनियन की तरफ से, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो नेवड़ा का जो किसान है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पहले ज़मीन चली गई, खेती चली गई, बाद में कोई रोज़गार नहीं था तो एक वादा किया गया था सभी को नौकरी मिलेंगी और उनके बच्चों को जो है शिक्षा मिलेगी स्कूलों में, और उनके लिए जो हॉस्पिटलों में भी आरक्षण रहेगा डिस्काउंट के लिए। लेकिन सभी जितने भी इनके जो है वादे थे जनता के प्रति सब भूल गए हैं। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, जो किसान की जो आबादी थी सालों पुरानी जहाँ पर वो रह रहे थे, उन्हें उसे भी तोड़ने के लिए पीछे वो उस पर अभियान चला रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुँच सके और इस अभियान में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद।